फसाद का एक तीसरा रास्ता, غلبهم طول الامل مع قصر الاجل, लंबी उम्मीदें उन पे गालिब आ जाती है, जिंदगी बहुत थोड़ी है, नमाज पढ़ ले, चलो पढ़ ही लेंगे, अच्छा मेरे प्यारे भाई दाढ़ी रख ले, रख लूंगा जब हज करने जाऊंगा, पता है तुम्हें, अच्छा सिगरेट छोड़ दो, बस आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दूंगा, कब तक, बस थोड़ी देर, पता है थोड़ी देर से पहले मौत का फरिश्ता आके तेरी गर्दन तोड़ दे, क्या करोगे, ये सब ख्वाहिश के गुलाम हैं। सहाबा किराम के अंदर यही एक ताकत थी, ताने भी मिलते, बातें भी सुनते, पत्थर भी खाए, सर से भी खून, जिस्म भी उनके जख्मी हुए, एक एक नहीं दस दस लोग पिटाई करने वाले होते, कहते दीन नहीं छोड़ना। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसे लोग भी आए खड़ा करके दुनिया के सामने, आरी से उसके दो टुकड़े कर दिए जाते, वो दीन नहीं छोड़ते थे। आज तो दाढ़ी इसलिए नहीं रखता कि लोग ताना देंगे मौलवी बन गए हो, मौलवी कहा है ना, बदमाश तो नहीं कह दिया, बदमाश कहलाना आसान हो गया आज, अल्लाह के रसूल की सुन्नत को जिंदा करने वाला बनना आसान नहीं है, लोग ताने देंगे, कफ है ऐसी अकल पे जो अल्लाह की शरीयत की परवाह ना करे और कहे लोग कहते हैं, लोगों ने तो अल्लाह के बारे में भी क्या कुछ कहा है, लोगों ने तो अल्लाह के रसूल के बारे में भी कहा है, तुम लोगों की रिजा चाहने के लिए जो काम करोगे हमेशा लोगों से जूते ही तुम्हें पड़ेंगे, रब की रिजा हासिल करोगे सारी दुनिया तुम्हारी गुलाम अल्लाह बना देगा।